नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव आयुर्वेदा क्लिनिक से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज ये जो बच्चा हमारे साथ में है, ये एक स्पेशल केस है। आपको जिसे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, 10 डेज हुआ है इसका ट्रीटमेंट करते हुए। इसको समस्या जो थी वो इसके बैक में थोरेक्स के पीछे जो स्पाइन है इसकी, उसमें काइफोटिक चेंजेस थे, यानी आगे की तरफ में झुका हुआ था एकदम, और बहुत एक प्रॉपर तरीके से एक कुबड़ सा बना हुआ था। बच्चे को समस्या बहुत पहले से थी, आपने कई जगह दिखाया भी, और लेकिन उसका सलूशन नहीं मिल पा रहा था। हमने इसका 10 डेज ट्रीटमेंट किया है। इनसे बात करते हैं, 10 डेज बिफोर का एक्सपीरियंस कैसा था और आज 10 डेज के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या समस्या हो रही थी बच्चे के आपके? सर, पहले जो है बच्चा बैठता था तो आगे झुक जाता था। अच्छा जी, जी तो सर, ये कब आपने ऑब्जर्व किया कि इसको बैठना उठना गड़बड़ हो रहा है इसका? सर लगभग 6 महीना पहले। 6 महीने पहले? और 6 महीने से, इसके पहले से इसको प्रॉब्लम थी, इसके पहले से लेकिन थी। आपने ऑब्जर्व करना तब शुरू किया कि इसको झुकाव आ रहा है आगे। जी सर, इसे समस्या क्या होती, क्या समस्या होती थी बेटा उस समय तुम्हें? झुक के बैठे और दर्द वगैरह रहता था कुछ? बस सीधा होकर बैठते थे तब हाँ, दर्द होता था। सीधा होके जब बैठने की कोशिश करते थे तो पेन आता था, झुक के बैठते थे तो वो पेन नॉर्मल हो जाता था ना, उस समय कोई पेन नहीं होता था। दोस्तों, मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे इसकी जो एक्सरे की जो फिल्म थी, आपको ये बिफोर ट्रीटमेंट है, आप देख सकते हैं इसको, ये बिफोर ट्रीटमेंट है। और इसमें अगर आप ऊपर थोरेसिक स्पाइन चेंजेज अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये पूरी तरीके से बेंड है, यानी ये जो जो है काइफोटिक चेंजेस जो होते हैं स्पाइन में, जो नॉर्मल काइफोसिस होता है उसको, उससे हाइपर काइफोटिक चेंजेस में था ये। और उस कंडीशन में आप देखिए तो यहाँ से एक पूरा पूरा का पूरा एक बेंड था, जो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 डिग्री बेंडिंग थी इसके स्पाइन में। ये बिफोर ट्रीटमेंट का एक्सरे है, 10 डेज का हमने ट्रीटमेंट किया इस बच्चे का, और 10 डेज के बाद में ये इन्होंने है खुद वही ही है छोटा वाला सर। क्यूरियसली एक्सरे कराया कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं, दिस वन इज द रिसेंट एक्सरे डन बाय द पेशेंट इटसेल्फ। और उस कंडीशन में अगर आप देखें तो आप इसके काइफोटिक चेंजेस को अगर देखेंगे तो काइफोटिक चेंजेस ऑलमोस्ट बिकम्स नॉर्मल, यानी जो झुकाव था, जो बेंडिंग थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। एंड दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड ओनली इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो हमने इसका 10 डेज में किया है। बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने सजेशन दिया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने पॉस्चर करेक्ट करने की बात करी, किसी ने बेल्ट लगाने की बात करी। हमने इस 10 डेज में ना तो बेल्ट लगाया है, ना ही हमने इनका कोई कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के लिए बोला है, बस केवल ट्रीट किया है। कायरोप्रैक्टिक और पंचकर्म मेथड से हमने स्पाइन को अलाइन किया है। अलाइनमेंट के बाद 10 डेज का ये रिजल्ट है। अभी लोग देखते हैं तो कैसा बोलते हैं बच्चे के बारे में, क्योंकि पहले भी बोलते थे आपको, तब आपने ऑब्जर्व किया इसको, जी, और अब अभी कैसा? अभी देखने में जो है जैसे हम कपड़ा निकाल करके देखते हैं तो हाँ, लगभग पीठ सीधी दिखाई देती है। लगभग पेट सीधी दिखाई, पहले कुबर सा निकला हुआ दिखाई देता था हाँ, पहले कुबर ना, सा वो ये हमेशा पसलियाँ वैसे जो ही है रहता है। उठी हुई दिखती थी बीच हाँ, में। पसलियाँ उठी हुई दिखती थी। जी सर, और हम इनका बिफोर ट्रीटमेंट का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, हम आपको इसके साथ में अटैच करेंगे, दिखाएंगे कि जब फर्स्ट डे हमने ट्रीटमेंट किया था तो उस समय जो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर था, जो अलाइनमेंट था वो कैसा था, और अभी जो आपको शेयर किया हमने एक्सरे उसमें कैसा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह के चेंजेस अर्ली एज में आना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो रूटीन्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ और मोबाइल का एडिक्शन, लैपटॉप का एडिक्शन, गेम का एडिक्शन, ये ऐसा हो गया है कि बच्चे एक ही पोस्चर में झुक करके कई कई घंटों काम करते हैं। तो बस हमें आपको मैसेज सिर्फ ये देना है, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बच्चों को ध्यान रखें, क्योंकि उनका पोस्चर कैसा है, वो कितनी देर एक पोस्चर में बैठ रहे हैं। हम लोग इसी पर लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, छोटे बच्चों को ट्रेंड करते हैं, बड़े बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा पेरेंट भी अगर ध्यान रखेगा तो बच्चे इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उनसे बचेंगे, क्योंकि ये डिफॉर्मिटी अगर एक बार एनाटॉमिकली हो गई तो फिर उसमें किसी भी तरह का करेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर आपके आसपास में किसी कहीं दिखता है तो आप उनको ज़रूर सजेस्ट करें। हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।